कारगिल विजय दिवस पर कार्यक्रम आयोजित। लघु सचिवालय स्थित शहीद स्मारक पर मोमबत्तियां जलाकर कारगिल युद्ध के शहीदों को किया नमन। पल पल की तरफ से भी शहीदों को नमन। देखिए शहीदों को समर्पित अमर सिंह की ये रिपोर्ट। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर कल सांय एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सैकड़ों लोगों ने मोमबत्ती जलाकर देश के लिए जान कुर्बान करने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि दी। शहरवासियों में शहीदों के प्रति सम्मान व जज्बा देखने को मिला। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस प्रकार का जज्बा था। शहीद भगत सिंह स्टेडियम में भारत माता की जय वंदे मातरम के नारे लगाते हुए शहरवासी लघु शौचालय स्थित शहीद स्मारक पर पहुंचे, जहां सभी ने मोमबत्तियां जलाकर कारगिल युद्ध के शहीदों को नमन किया। हम आपको बता दें कि सिरसा से भी कारगिल युद्ध में 3 शहीदों ने अपनी शहादत दी थी। इन सभी शहीदों की कुर्बानी को याद करते हुए लोगों ने उनके साहस व पराक्रम की सराहना की। पुलिस अधीक्षक हामिद अख्तर ने कहा कि शहीदों की बदौलत ही आज़ादी की खुले हवा में सांस ले रहे हैं। उन्होंने जागरण द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम हमें प्रेरणा देते हैं कि जरूरत पड़ने पर देश के लिए जान भी निछावर करें। माता की बंदे, 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 भारत माता की, भारत माता की। जो करगिल शहीद हैं आज उनको नमन करने का दिन है, विजय दिवस है हमारा, साथ में बलिदान जो हमारे सैनिकों ने दिया उसको याद करने का दिन है और खुद इंस्पायर होने का दिन है। तो आज ये समाज इकट्ठा होकर सिरसा में आज ये कैंडल मार्च निकाला गया, जो शहीद स्मारक है वहाँ पे कैंडल जलाए गए और शहीदों को याद किया गया। और उससे मैं यही कहूँगा कि जो युवा पीढ़ी है वो सीख ले उनके बलिदान से और देश की जब भी ज़रूरत पड़े वो इस चीज़ के लिए तैयार रहें कि जब भी अगर खून की ज़रूरत पड़ी, मेहनत की ज़रूरत पड़ी, जान देने की जरूरत पड़ी, उसके लिए सब तैयार है। कारगिल के शहीदों को आज असली श्रद्धांजलि इसीलिए है कि पूरी दुनिया में इनका नाम है, पूरे देश में इसका नाम है और सरसे का खास करके इसलिए कि ये तीनों शहीद कारगिल में शहीद हुए हैं। ये पहला चाने शहीदों के हमारे जवानों ऊपर पत्थरबाजी कर रहे हैं। हमने 1971 में भी 95,000 पाकिस्तानी कैद किए थे और अभी भी कारगिल के बाद इन्होंने पत्थरबाजी शुरू की है। इसके ऊपर सरकार ने लगाम लगानी चाहिए और इनको सबक सिखाना चाहिए पाकिस्तान को। और मेरा अगर मेरे को 10 दिन की कमांड मिल जाए तो मैं पाकिस्तान को एकदम मिट्टी मिला सकता हूँ। फख्र होता है कि हमारी देश की जो सेना है वो बहुत ही सक्षम और अब लोहा लेने वाली सेना है। और लेकिन इस समय एक दुखांत यह है कि कश्मीर में जिस प्रकार से सेना के ऊपर राजनीति हो रही है और उस राजनीति के रूप में सेना को टारगेट बना करके उसका मनोबल तोड़ा जा रहा है, यह एक चिंताजनक बात है। इसलिए मेरी इन राजनीतिक पार्टियों से निवेदन है कि वो किसी प्रकार से सेना के ऊपर अपनी राजनीतिक रोटियां न सेकें। विजय दिवस के ऊपर, स्मृति चिन्ह के ऊपर हम सौगंध लेते हैं कि हम देश में और समाज में भाईचारा लाएंगे।